लोकसभा के बाद नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। बिल को लेकर बुधवार को राज्यसभा में हुई वोटिंग के पक्ष में 125 और विरोध में 105 वोट पड़े। वोटिंग के दौरान शिवसेना ने वॉकआउट किया। उधर इस बिल के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विरोध तेज हो गया है। बिल को लेकर असम में सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। राज्यसभा में बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया। राज्यसभा में बिल पर लंबी चर्चा के बाद वोटिंग से ये बिल पास हुआ। वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 125 और विरोध में 105 वोट पड़े। बिल पर वोटिंग के दौरान शिवसेना ने वॉकआउट किया। बिल पर वोटिंग से पहले इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए भी वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग में ये प्रस्ताव गिर गया। सिलेक्ट कमेटी में भेजने के पक्ष में महज 99 वोट ही पड़े, जबकि 124 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया। बिल के पास होने पर जहां प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे इतिहास का काला दिन कहा। संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जहां बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। संसद के दोनों सदनों में बिल का भारी विरोध करने के बाद अब कांग्रेस बिल को कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रही है। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद ने भी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। इस बीच महाराष्ट्र कैडर के भारतीय सेवा अधिकारी अब्दुल रहमान ने बिल के विरोध में इस्तीफा दे दिया। उधर इस बिल के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विरोध तेज हो गया है। बिल को लेकर असम में सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने तिनसुकिया जिले के पानीटोला रेलवे स्टेशन पर पहले तोड़फोड़ की, उसके बाद आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा दिब्रुगढ़ के झाबुआ रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए असम के गुवाहाटी और दिब्रुगढ़ में कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही असम के 10 जिलों में 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बढ़ते विरोध को देखते हुए त्रिपुरा के कई हिस्सों में सेना को तैनात किया गया है। वहीं असम में सेना स्टैंडबाय पर रखी गई है। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के 5,000 अतिरिक्त जवानों को नॉर्थ ईस्ट भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।